गर्मी शुरू हो गया है और जब भी गर्मी शुरू होता है तो आम का सीजन शुरू हो जाता है, और जब भी आम का सीजन शुरू होता है तो ये सवाल बार बार आते रहते हैं कि क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं। हम सब जानते हैं गाइज कि आम जो है फलों का राजा है और हम सबको आम खाना बहुत पसंद है। आम एक बहुत ही मीठा फल होता है और सबको खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आम का सीजन आता है तो फिर ये एक सवाल बार बार मेरे पास आते हैं कि क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं, क्या मैं आम खा सकता हूं अगर मुझे डायबिटीज है। तो गाइस आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको डायबिटीज है तो क्या आप आम खा सकते हैं, क्या आपको आम खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है, मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम के बारे में, क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं। तो गाइज आम जो है एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फल है, आम एक बहुत ही मीठा फल है, आम में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग भी हेल्दी इंसान है उनको तो आम बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके दूसरे खाने की चीज में नहीं मिलेंगे, लेकिन आम में आपको भरपूर मात्रा में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो जितने हेल्दी लोग हैं वो प्लीज आम जरूर खाएं, आम में बहुत अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स है। अब सवाल ये आता है कि अगर डायबिटीज है किसी को तो क्या वो आम खा सकते हैं, क्योंकि आम एक बहुत मीठा फल है और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं आम खा सकता हूं। तो गाइज आम खाने के पहले आपको सबसे पहले आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और आम का ग्लाइसेमिक लोड क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज जान गए तो फिर आप आम बिल्कुल खा सकते हैं, कितना खाना है वो भी आप सीख सकते हैं। तो गाइज अगर मैं आम की ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, वो है 51 काफी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और अगर 100 ग्राम आम की बात करूं तो 100 ग्राम आम में आपको तकरीबन 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो गाइज अगर मैं 100 ग्राम आम का ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करूं तो 100 ग्राम आम का ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड बाय 100, तो वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, वो तकरीबन 7.6 के आसपास आता है। और 7.6 ग्लाइसेमिक लोड काफी कम है, वो लो कैटेगरी में आता है। तो गाइस एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको भी डायबिटीज है, आप बिल्कुल आम खा सकते हैं, आपको डायबिटीज है तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन गाइस आप 100 ग्राम से ज्यादा ना खाएं, क्योंकि अगर आप 100 ग्राम से ज्यादा खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा, और अगर आप ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा लेंगे तो फिर आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो गाइज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपको डायबिटीज है आप बिल्कुल आम खा सकते हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 100 ग्राम से ज्यादा ना खाएं। अगर आप डेली 100 ग्राम आम खाएंगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। एक और बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं आपको आम खाने का, और बिना सोचे बिना डरे आप बिल्कुल आम खा सकते हैं, आपका शुगर लेवल रेज नहीं होगा। और वो है, आप जब भी आम खाएंगे तो उसको प्रोटीन और फैट के साथ जरूर खाएं। तो प्रोटीन और फैट आपको किस में मिलेगा, जैसे नट्स एंड सीड्स हो गया, आप मुट्ठी भर बादाम ले सकते हैं या फिर अखरोट ले सकते हैं। तो अखरोट और बादाम के साथ अगर आप आम को खाएंगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो गाइज अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज आप लोग आम खाइए, बिना डरे बिना सोचे बिना ब्लड शुगर के आप लोग प्लीज आम खाइए, लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाइए, या तो आप बादाम या अखरोट के साथ खाइए। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आम खाने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो गाइज इस वीडियो को जरूर शेयर करना, सभी लोगों से शेयर करना, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको डायबिटीज है वो बहुत ही दुखी होते हैं कि वो आम नहीं खा सकते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनको, मुझे उम्मीद है कि उनको काफी खुशी मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि वो आम खा सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए सारे लोगों से जिनको भी डायबिटीज है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।